बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपका साथी ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपसे पंजाबी ज़बान के अहिया और कलाम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हाज़िर ख़िदमत हूँ। इससे पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, वो आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। तो मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसके मैंने पहले दो मकसद ही आपको बताए थे कि एक तो इल्म व हिकमत की बातें जो कलाम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अंदर बिखरी पड़ी हैं उनको आपसे शेयर करना, ताकि हम अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इनको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। ना सिर्फ हमारी दुनिया बेहतर होगी बल्कि आखिरत जो है वो भी बेहतर होगी। तो दूसरा इसका था कि पंजाबी ज़बान का अहिया। तो मैंने इससे पहले एक रुबाई आपसे शेयर की, आज एक और रुबाई जो है वो आपसे शेयर करूँगा। तो उसके अंदर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया और दुनियादारी के मुतलक बातें की हैं कि ये जो दुनिया है ये कैसी है, दुनियादार जो है उसका मकाम क्या होगा। तो अगर उसके पास माल और दौलत है, उसने खर्च नहीं किया, तो उसके लिए क्या जो है वो उसको मिलेगा। उसके बाद ये जो दुनियादारी है, इसके जो नुकसानात हैं वो उन्होंने इसके अंदर जो है वो बयान किए हैं। तो इस तरह दुनियादारी से तर्क जो है उसके उन्होंने फवायद भी इसके अंदर जो है वो बयान किए हैं। तो बेशक ये बात उनकी बिल्कुल सच्ची है कि ये जो दुनियादारी है इसके पीछे लग के इंसान जो है वो अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। तो आइए शुरू करते हैं कि उन्होंने अपने इस रुबाई के अंदर दुनिया के बारे में जो बातें की हैं उनको पहले आपसे शेयर करते हैं। तो देखा, तो उन्होंने कहा कि अद्दी लानत दुनिया ताई, अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूँ, सारी दुनिया दारा हूँ, रा साहिब दे खर्च ना कीती, लैन गजब दियाँ मारा हूँ, प्यों कोलों पुत्र कुहावे, फट दुनिया मकारा हूँ, प्यों कोलों पुत्र कुहावे, फट दुनिया मकारा हूँ, दुनिया तर्क कीती जिन्ना बाहू, लैसन बाग बहारा हूँ। तो इसमें जो बातें आपसे देख लें कि जो पहली बात उन्होंने की है कि उन्होंने जो दुनियादारी है उसको उस पर लानत की है, तो कि अद्दी जो लानत है वो दुनिया के लिए है, क्योंकि ये इंसान की आखिरत को जो है ना वो बिगाड़ देती है। और जो दुनियादार हैं उसमें पर उन्होंने कहा कि सारी जो लानत है वो दुनियादार पे है। अब वो दुनियादार करता क्या है, अल्लाह ताला ने उसको दौलत दे रखी है, लेकिन वो उस दौलत में से जो है ना वो अपने भाई बंदों के लिए वो उस तरह खर्च नहीं करता जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर बताया है। कि इस बारे में उन्होंने यही कहा है कि राह साहिब दे खर्च ना कीती, कि अल्लाह ताला ने जो उनको दौलत दी है, उनको माल दिया है, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो इसका नतीजा ये होता है कि उनको जो है ना वो अल्लाह की मार पड़ती है, इस दुनिया के अंदर भी जो है ना वो इस चीज़ का मज़ा चख लेते हैं, हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए या इस किस्म का कोई मसला बन जाए, आफत आ जाए, या उनकी औलाद जो है वो ही ख़राब निकल जाए, तो फिर इसका नुकसान दुनिया के अंदर भी होगा और आखिरत के अंदर तो यकीनन जो है वो अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। और अगली बात जो उन्होंने इस दुनियादारी या माल व दौलत जो इंसान के पास वो जमा कर लेता है तो उसका जो नुकसान है वो उन्होंने बताया इसके अंदर कि प्यों कोलों पुत्र कहावे, कि ये जो दौलत है ये बाप बेटे को लड़ा देती,
बाप जो है वो बेटे को कत्ल कर देता है। अभी आप वाकयात भी देख लेते हैं कि बेटे ने माँ को जो है ना वो मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया। तो घरेलू झगड़े हैं, जायदाद के झगड़े हैं, मालो दौलत के झगड़े हैं। तो ये जो दुनियादारी है ना, ये दुनियावी सुकून जो है वो बंदे का बर्बाद कर देती है। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो दुनिया है ये इसको मकार कहा है कि इस पे लानत हो कि इसने दुनियावी जो लोगों का सुकून है वो बर्बाद कर दिया है और रिश्तों में जो है ना वो दरारें डाल दी हैं। तो लोग जो हैं वो सगे रिश्तेदार हो के, नज़दीकी रिश्तेदार हो के एक दूसरे की तरह मुंह भी नहीं करते, तो उनको बुलाते भी नहीं हैं। हालांकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है कि 3 दिन से ज़्यादा जो है ना वो तरके तलक जायज़ नहीं है। आगे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जो दुनियादारी के तर्क करने का फ़ायदा है वो बताया है कि जिस बंदे ने दुनियादारी तर्क की और दुनिया को दुनिया के लिए ही रखा, दुनिया को तर्क किया, तो उनको आखिरत में भी बड़ा फ़ायदा होगा, उनको दुनिया में जो है ना वो दिली सुकून नसीब होगा। तो जो बंदा अल्लाह ताला का हो जाता है, अल्लाह ताला उसका हो जाता है। तो हमारे ये जो सूफिया इकराम है, इन्होंने अल्लाह ताला के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, तो अल्लाह ताला ने इनके इवज़ इनको ता हयात जो है वो ज़िंदा और जावेद कर दिए। तो उन्होंने यही कहा है, यही बात की है कि तरके दुनिया जो है, जिस बंदे ने भी तरके दुनिया की है, अल्लाह ताला जो है ना वो उसको बाग बहारा खुशियां जो है ना वो अता करता है। तो जो बंदा दुनिया में रह जाता है, दुनिया को ही सारा कुछ समझ बैठा, हालांकि सब के सामने जनाजे उठते हैं, सब ने जो है ना वो फौत होना है, इस दुनिया में आज तक कोई भी नहीं रहा, तो खाली हाथ बंदा आता है, खाली हाथ जाता है, तो उसके बावजूद भी जो है ना वो हमारा नफ्स जो है वो भरता नहीं है, तो हम लोगों के हकूक जो है वो गसब करते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से, ताकि वो सारा जो मालो दौलत है वो हमारे पास आ जाए। लेकिन ये मालो दौलत का होना ये कोई गारंटी नहीं है कि बंदा जो है ना वो पुरसकून है या उसकी आखिरत जो है वो अच्छी होगी। आखिरत उसी की अच्छी होगी जो इस मालो दौलत को, जो उसने जायज़ तरीके से कमाया है, वो राह हक में जो है ना वो लोगों को दे। तो खुश रहिए, तंदरुस्त रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें, ताकि मेरा जो मकसद है इसके अंदर पंजाबी ज़बान का हया और हज़रत सुल्तान बाहू के कलाम में फैले हुए जो बिखरे हुए मोती हैं वो आपसे शेयर करना, वो मेरा पूरा हो जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन वसलाम।